बर्तानिया भर की तरह दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में भी आज सुबह सवेरे सीजन की पहली बर्फबारी हुई। आज सुबह होते ही रुई के गालों की तरह बरस रही थी और आप मेरे हक में वाकया देख सकते हैं लोकल पार्क में भी इसी तरह पूरे शहर में शहर ने बर्फ की सफेद चादर जो है ना ओढ़ ली थी। याद है कि चंद रोज कबल महकमा मौसमियात ने इस हवाले से पेशनगोई की थी कि आइंदा चंद रोज में बर्फबारी होगी और महकमा मौसमियात की वो पेशनगोई आज दुरुस्त साबित हुई। सुबह सवेरे जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ तो ट्रैफिक का निजाम भी दरम बरम हुआ, चुके लोग बच्चे स्कूलों का रुख कर रहे थे, इसी तरह लोग काम पर जाने की तैयारियां भी कर रहे थे, तो लोकल जो सड़कें हैं वहां पर काफी ट्रैफिक देखने को मिली। इसी तरह जो ट्रेन का सिस्टम है वो दरम बरम हुआ, कुछ टाइम शेड्यूल उनके चेंज हुए। बर्मिंघम एयरपोर्ट से भी इतलात की जा रही थी कि जो फ्लाइट है उनका शेड्यूल वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। कुछ स्कूल्स की भी इतलात है कि बिजली ना होने की वजह से या फिर हीटिंग सिस्टम दरम बरम होने की वजह से स्कूल्स वो बंद कर दिए गए थे। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने भी अपनी फुल तैयारी कर रखी थी। जो मरकजी सड़कें हैं, बड़ी सड़कें हैं, वहां पर नमक का छिड़काव किया गया था ताकि जो बर्फबारी की सूरत में जो निजाम है जिंदगी है वो चलता रहे। उस बर्फबारी को, सीजन की पहली बर्फबारी को देखते हुए बच्चे बूढ़े नौजवान मंजिले जो है ना बर्फबारी से भी लुत्फानंदोज होते रहे। इतलात यही है कि आंदा चंद रोज तक टेम्परेचर मजीद गिरने की इतलात है, उसके बाद जो मौसम है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। आसिफ महमूद, बराटली, जियो न्यूज, बर्मिंघम।